बेरसिया बसई स्थित गौ सेवा भारती गौशाला में बड़ी संख्या में गायों के मृतक होने का मामला सामने आया है। ज्ञात हो कि ये गौशाला की संचालिका भाजपा की नेत्री है। बसई वार्ड नंबर 2 स्थित इस गौशाला में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें गायों को लेकर लापरवाही करने के मामले आते रहे हैं। उसी के चलते आज हिंदू संगठनों को सूचना प्राप्त हुई कि बेरसिया के बसई स्थित गौशाला में सैकड़ों की संख्या में मृत गायों के होने की सूचना मिली, जिस पर हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद में बेरसिया पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं हिंदू संगठनों ने गौशाला संचालक पर लगाए हैं गंभीर आरोप। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहां पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आते रहे हैं जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और यहां पर गायों को लेकर कई गंभीर आरोप संचालक पर भी लगाए गए हैं। वहीं गौशाला के अंदर और बाहर कई गायों का मृत्यु होना पाया गया और गौशाला में गायों को एक कुएं के अंदर भी डाला गया है जिसमें बड़ी संख्या में गाय पाई गई है। अत्याचार धन्यवाद। सुबह हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ गोवंश के शव पड़े हुए हैं। जब हमने आकर यहाँ देखा तो वो संख्या कम से कम 400 से 500 से अधिक थी और हमने यहाँ प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। आज प्रशासन यहाँ मौजूद है और जानकारी प्राप्त हुई कि कलेक्टर और SPB आने वाले हैं, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा मांग है, आप खुद ने भी यहाँ देखा होगा, कम से कम 400-500 गायों को गड्ढा खोद के उनके शवों को गड़ाया गया, उसको छुपाने का प्रयास किया गया है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश के तहत उसकी हत्याएं की गई हैं इनको लाभ कमाने के लिए। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि जो इसका दोषी है अगर वो गिरफ्तार नहीं होगा तो हम यहाँ धरने बैठ जाएंगे और किसी भी प्रकार की आपरीय स्थिति का जो निर्धारण होगा, अगर प्रशासन की लापरवाही कारण होगा तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये हम इस मंच के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को हम सहन नहीं करेंगे। गाय हमारी संपत्ति है, गाय हमारी माता है और आज भारत के न्यायालय भी उसको गौ संपत्ति को राष्ट्रीय पशु घोषित करने तक की बात कर चुके हैं। जिस गाय की बात की जाती है उस गाय की हालत ये हो रही है और यहाँ का प्रशासन मूक बना हुआ बैठा हुआ है। सबसे पहले तो इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन रद्द करके प्रशासन को अपने हाथ में लेना होगा और तत्काल प्रभाव से दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा, यही हमारी मांग है। जय जय श्री राम। हिंदू परिषद से जनक सिंह राजपूत जिला अध्यक्ष और सभी ग्राम बेरसिया के लोगों के साथ में यहाँ पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे गायें मरी हुई पड़ी हैं, उनको देखने के लिए आए तो कम से कम यहाँ 400-500 गायें मरी हुई पड़ी हैं और कुछ कुएं में भी पड़ी हैं। तो हम ये प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से भी ये मांग करना चाहते हैं कि इसी समय इनका ट्रस्ट का जो है वो निरस्त होना चाहिए और दूसरे को किसी को सौंपा जाए। और यहाँ पे कम से कम इतनी गऊँ क्यों रखने की आज्ञा दी है, जबकि 200 की अनुमति है, 200 ही रखना चाहिए ना यहाँ पे, फिर इतनी गऊँ रखने का क्या अधिकार है। ना कोई प्रशासन ध्यान देता है और ना कोई कुछ कर रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हालत हो रही है, पूरा वीडियो में और पूरा उसमें देख लीजिए आप। रखिए देश के हर शहर हर गाँव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।